टुडे वी आर डिस्कसिंग लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीव एग्जाम क्वेश्चन। सो चलो प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। एंड हमको एक लॉन्गेस्ट प्रीव एग्जाम फाइंड करना है, तो इसमें हमारा है FL जो कि तीनों में कॉमन है और ये सबसे बड़ा है। दैट्स वाई सबसे कॉमन भी होना चाहिए और सबसे बड़ा होना चाहिए। ओके देन फाइंड रहा था, लिखते हैं। सबसे पहले हमने एक एज केस लिख लिया है, अगर इस स्ट्रिंग की लेंथ जीरो होगी तो हमको रिटर्न एम्प्टी स्ट्रिंग करना है, जो कि यहाँ पे दिया हुआ था एग्जाम्पल टू में। देन हमने एक प्रीफिक्स डिफाइन कर लिया है जिसको हमने एम्प्टी रखा है अभी। तो एक फॉर लूप लगाना है जिसमें हमको चेक करना है कि अगर हमारे प्रीफिक्स मैच करते हैं देन हमको कंटिन्यू करता है, जैसे ही हमारे प्रीफिक्स मैच नहीं करेंगे एक कॉलम से दूसरे कॉलम में, हमको वहीं से बाहर हो जाना है। सो मैंने ये फॉर लूप लिख लिया है और इसकी रेंज मैंने रखी है str1, जो कि हमारा पहला जो स्ट्रिंग होगा उसकी लेंथ के तक हमारा ये लूप चलेगा। देन हम सेकेंड लूप है उसको हम तब तक चलाएंगे जब तक हमारा जो पूरा है, कि पूरा अरे कितना है, अरे की साइज़ तक चलाएंगे, तो इसको चेक करेंगे। देन अब इसके बाद जो ना, अब हम इसमें एक कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन ऐसी होगी, बहुत सिंपल होगी। उसमें ये होगा कि अब हमको फाइंड करना है कि हमारा जो पहला इंडेक्स है वो सबके फर्स्ट इंडेक्स से मैचिंग करता है या नहीं करता। अगर जैसे ही हमारा नहीं मैचिंग करेगा हम वैसे उसको रिटर्न करके बाहर निकाल देंगे, अगर मैचिंग करता है तो हम इस लूप में आगे बढ़ते जाएंगे और ऐसे करते करते हमको लास्ट तक मिल जाएगा जो भी हमारा लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स होगा, जो कि सारे इंडेक्सेस में मैच होगा। सारे इंडेक्सेस नहीं, लॉन्गेस्ट लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स है जो कि सारे स्ट्रिंग्स में मैच होगा, वहाँ तक हम जाएंगे और उसको लास्ट में रिटर्न कर देंगे। तो मैंने लॉजिक समझा दिया और साथ में लिख भी दिया है। ये लिखा है कि अगर कंडीशन मैच नहीं करती तो वहीं से रिटर्न कर देंगे, अगर मैच होती है तो देन हम लूप में नीचे आएंगे और इसमें लिखेंगे प्रीफिक्स इक्वल्स टू str0, जो कि हमारा ऊपर वाले लूप का जीरो है और उसके साथ आई लगाएंगे। और दैट्स इट, हमारा काम पूरा हो गया। अब हमको जस्ट रिटर्न करना है प्रीफिक्स को, बिकॉज लाइक अगर कोई भी कैरेक्टर मैच नहीं करता है तो प्रीफिक्स एम्प्टी रहेगा और एम्प्टी प्रिंट हो जाएगा। सो रन करते हैं कंपाइल एंड रन। ओके ये सिंपल टेस्ट केसेस पास हो गए और फाइनल सबमिट करके देखते हैं। मैं ऑलरेडी ट्राई कर चुका था इसको, बट वो अदर वे से किया था, वो कभी और समझाऊंगा। तो ये 21 मिनट में हो गया और आई थिंक ये एक बेस्ट सॉल्यूशन है। तो ओके गाइस, अगर समझ में आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना। थैंक यू गाइस, बाय बाय।